ثناءً عليك يا ربنا أكبر الله أكبر لله الحمد. सऊदी अरब में पहली बार ऐसा ईदगाह देखा हूँ कि ईद की नमाज बाहर खुले आसमान में पढ़ाया जाए। कई हजार लोग बैठेंगे आज की इस ईदगाह में। मुबारक बाबा। भाई बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने लग गए। यही तो एक चीज है जो घर की याद दिलाती है। थोड़ी करो अभी खा गया। बस थोड़ा थोड़ा भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक। तो फिलहाल अभी ईद की नमाज नहीं खत्म हुआ है, उससे पहले हम लोग सेवई वगैरह खाकर फिर बाद में जाएंगे ईद की नमाज पढ़ने। उससे चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो ईद मुबारक यहाँ से। अब अभी तैयार हो रहे हैं। वैसे तर हमें भी दो भाई लगा ले। भाई लगा ले, तर लगा ले। हाँ मास्टर जी लगा लीजिए, आप भी सेवई खा लीजिए। वैसे खुशबू माशाल्लाह अच्छा है। सेवई खाकर चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के आकर सेवई खाना चाहिए, लेकिन हम लोग सेवई खाकर जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। हाँ मुंह मीठा करके जा रहे हैं। बना कैसा है सेवई माशाल्लाह? घर की तरह? नहीं, घर की तरह नहीं है। ईद की सेवई माशाल्लाह काफी बेहतरीन बना, लेकिन हाँ घर की तरह नहीं। मिलाकर उसी तरह है, लेकिन टेस्ट वो ऐसा नहीं है। घर की तरह तो नहीं है। और अभी हम लोग निकल गए हैं बिल्डिंग से नीचे, जा रहे हैं ईदगाह में नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए। जैसे अपने इंडिया में होता है बिल्कुल उसी तरह सभी पब्लिक ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एकदम वो अपने इधर जैसे ईदगाह रहता है बिल्कुल उसी तरह। माशाल्लाह ये है ईदगाह, यहाँ सऊदी अरब का ईदगाह। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ईदगाह में। वो पीछे लेडीज नमाज पढ़ेगी और यहाँ सामने जेंट्स नमाज पढ़ेंगे ईद की नमाज। और यहाँ पे ईद की नमाज लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो सारा प्रोग्राम भी हो चुका है लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। और माशाल्लाह एकदम जैसे अपने देश में ईदगाह रहता है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी खुले आसमान में ईदगाह एकदम उसी तरह है। डिजाइन किया गया है और नीचे दरी बिछा दिया गया है जो कारपेट बोलते हैं, और वहीं पास में ही चप्पल रख के वहीं पर बैठ सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो हम भी यहीं पर बैठने जा रहे हैं। इतना खूबसूरत ईदगाह बनाया गया है, सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इसे बनाया गया है। तो तीन चार दिन से यहाँ पे काम चल रहा था और लाइन से जुलिया भी लगा दिया गया है ताकि चप्पल जूते भी साइड में रख के नमाजें पढ़ सकें। और अभी और भी लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी देर में सब फुल हो जाएगा। और पीछे लास्ट में जो दिख रही हैं वहाँ लेडीज़ नमाज़ पढ़ेंगी। और मैं सऊदी अरब में पहली बार ऐसा ईदगाह देखा हूँ कि ईद की नमाज़ बाहर खुले आसमान में पढ़ाया जा रहा है पहली बार 5-6 साल के बीच में। वैसे नमाज ईद की नमाज़ तो मस्जिद के अंदर पढ़ाया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा मौका मिला और देखा भी हूँ कि खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज़ पढ़ाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा मौसम भी है। वैसे ये ईदगाह मेरे एरिए में नहीं है, ये अपने भाई साहब हैं इनके एरिया में है, तो इन्हीं के पास आया था मिलने के लिए। माशाल्लाह ड्रोन उड़ाया जा रहा है यहाँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है। खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज़ पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर ड्रोन पहुँच गया, अब ये पूरे जगह का वीडियो बनाएगा। यार ड्रोन तो सबका वीडियो बनाया जा रहा है, मेरा भी वीडियो आ रहा होगा कुछ नहीं तो कम से कम कई हज़ार लोग बैठेंगे आज के इसी ईदगाह में। माशाल्लाह पहली बार इतने लोग एक साथ में ईद की नमाज़ पढ़ते समय मैं देख रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ईदगाह की तरह खुले आसमान के नीचे। अल्लाह हबीबी इंतम माशाल्लाह, सच में यार बहुत ही खूबसूरत मंजर है। माशाल्लाह मुबारक बाबा। ईद मुबारक। हम जवाइए क्यों नहीं थे। तो दोस्तों फाइनली ईद की नमाज़ ख़त्म हो चुका है, और हम सभी परदेसी भाइयों की तरफ से आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से ईद मुबारक दिल से। तो अभी हम लोग ईद का नमाज़ पढ़कर जस्ट फ़ोटो वोटो वीडियो वीडियो क्लिक कर रहे थे, और अब जा रहे हैं रूम की तरफ, जो कि गुप्ता जी हैं।
कुछ बनाए हुए हैं हम लोग के लिए सरप्राइज, तो दिखाते हैं क्या क्या ईद में तैयारी हुई है, क्या खाने के लिए है भाई के पास में। तो बड़ा ग्राउंड है एकदम ईदगाह, अपने इंडिया की याद आ गई क्योंकि पहली बार मैं इस ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ा हूँ। ऐसा ईदगाह खुले आसमान के नीचे पहली बार नमाज़ पढ़ा हूँ और पहली बार ऐसा देखा हूँ मैं। इस ईदगाह में बस एक कमी थी, जैसे अपने इंडिया में नली पापड़ वगैरह हैं बच्चों के लिए रखा जाता है खाने के लिए, बस वही चीज़ नहीं मिला इस ईदगाह में, वरना देख सकते हैं बिल्कुल भीड़ यानी मजमा बिल्कुल उसी तरह था, बस वही एक चीज़ नहीं मिल पाया। और ईद की नमाज़ पढ़ के पाकिस्तानी भाई लोग यहाँ पे वीडियो टिकटॉक वगैरह इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना रहे हैं, तो काफ़ी भाई लोग जुटे हुए थे। परदेश में ईद इसी तरह परदेशी लोग मनाते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं जो भी रिश्तेदार रिलेशन के रहते हैं, ताकि उनके साथ में थोड़ा टाइम बिता सके और घर की तरह लग सके। वैसे घर की तरह तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी बंदे देखा हूँ 90% ईद के लिए नए कपड़े तक नहीं लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा होता है परदेश में। बाकी अपने देश अपने घर पे रहेंगे तो 100% फैमिली के साथ तो नए जोड़े सिलवाते ही हैं, लेकिन परदेश में बहुत कम 90% लोग नहीं लेते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ का ईद किस तरह मनाया गया है और कैसा रहा, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा और भी बहुत कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। माशाल्लाह ईद की मेन पार्टी तो यहीं पे हो रही है ना। यही तो एक चीज़ है जो घर की याद दिलाती है। थोड़ी करो अभी खा के आ रहा है। बस थोड़ा थोड़ा भाई साहब, अभी और कई जगह खाना है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने लग गए। बस आ रहा हूँ। माशाल्लाह इतना सेवैया आज सेवैया खा खा के पूरा मन भर गया। ये अलग रूम में बनाया। बंद काय कर रहे हो, निकालो, खोले तो भाई निकालने के लिए। आई वाह माशाल्लाह। और यहाँ पे पूरा भदेली भर के बनाया गया ऐसे वही। वैसे पार्टी तो माशाल्लाह कंपनी वाले ही मनाते हैं, इसलिए पूरा बिल्डिंग कंपनी वाले रहते हैं और एक दूसरे के रूम में माशाल्लाह बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। देख सकते हैं बारी बारी सभी मिल रहे हैं और पूरा हंडी भर के सेवई बनाया गया है, तो इन लोगों का अच्छा रहता है। हम डोमेस्टिक वर्करों से तो कंपनी वर्कर तो बेस्ट रहते हैं। माशाल्लाह एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है देख सकते हैं। हम डोमेस्टिक वर्करों से तो कंपनी के वर्कर बेस्ट है, अगर जो कंपनी अच्छा मिल गया ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पूरी बिल्डिंग में अच्छा अच्छा रूम भी है, अच्छे लोग भी हैं, काम भी अच्छा, सैलरी भी अच्छा, ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और देख सकते हैं एकदम फैमिली की तरह है।